बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। क्या बाहुबली 3 में होंगे विलन ही विलन? क्या राणा रघुपति ने दिखाया इंटरेस्ट? क्या मूवी इंटरनेशनल भी होगी रिलीज? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे नहीं है मूवी के एंड तक, बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम खबर ही ऐसे लाते हैं कि आपका इंटरेस्ट और जाग उठता है हमारी वीडियोस देख के। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए बाहुबली 3 के बारे में सब कुछ। बाहुबली इज अ गेम चेंजर, दिस इज ट्रूली एपिक। इट वॉज एज इफ आई वॉज पार्ट ऑफ हैशटैग बाहुबली टू किंगडम। द मास्टर स्टोरी टेलर इज बैक। ये कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर कॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक, स्पोर्ट स्टार से लेकर कॉमन मैन तक, हर किसी ने अगर किसी मूवी की तारीफ की है तो वो है वन एंड ओनली बाहुबली। ऐसे में इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट के लिए हर कोई एक्साइटेड है, चाहे मूवी का हीरो हो, चाहे विलन या चाहे कोई सपोर्टिंग रोल। सभी को मूवी में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी अपना रोल बेखूबी निभाने की। इसलिए मूवी में सिर्फ प्रभास को ही नहीं बल्कि राणा रघुपति जो विलन थे उनको भी सराहा गया। जितनी तारीफ प्रभास के हिस्से में गई उतनी ही तारीफ राणा के हिस्से में भी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि राजमौली जी ने जितना ध्यान मूवी के हीरो पर दिया था उतना ही ध्यान वो विलन के ऊपर भी रखे हुए थे। इसलिए क्या बाहुबली 3 के विलन को लेकर राजमौली जी है टेंशन में? आइए जानते हैं। दरअसल बाहुबली 3 में एक नहीं बल्कि दो विलन्स का प्लॉट कर रहे हैं राइटर्स। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, दो। बाहुबली 3 में बाहुबली 1 नहीं 2 विलन से लड़ते दिखेंगे। ऐसे में राइटर्स अभी भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्लॉट में डाल दिया है। राणा रघुपति ने फिलहाल मूवी के लिए हाँ तो नहीं किया है लेकिन इसलिए मेकर्स के सर पर और टेंशन घबरा रहा है। राणा का चेहरा और उनकी एक्टिंग ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है, इसलिए मेकर्स किसी और को लाने में घबरा रहे हैं। उनके हिसाब से इस कैरेक्टर में किसी और स्टार को एडजस्ट करने में ज्यादा वक्त लग जाएगा और राणा के फैंस भी नाराज हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसलिए मेकर्स राणा को डेट्स मैच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दो में से एक का रोल तो पक्का हो सके, वरना मेकर्स को दो रोल्स के लिए कास्टिंग करनी पड़ेगी जिसमें वक्त और पैसा दोनों लगेगा। जैसा कि सभी को पता है बाहुबली के बाद सभी एक्टर्स की डिमांड बढ़ गई है, चाहे प्रभास हो या राणा, दोनों के पास ये ऑफर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बाहुबली 3 जैसा प्रोजेक्ट और एक और मौका SS राजमौली जी के अंदर काम करने का कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए प्रभास ने तो ऑलरेडी मूवी के लिए हाँ कर दी है और बिना कुछ सोचे समझे हाँ किया उन्होंने। ऐसे में राणा रघुपति की रेट्स मिल नहीं पा रही है लेकिन राणा खुद बाहुबली 3 में इंटरेस्टेड है और ये उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है। जी हाँ, राणा अपने करियर के लिए ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि राजमौली जी कमाल के डायरेक्टर हैं और वो किसी भी कहानी को कमाल का बना सकते हैं, इसलिए राणा खुद भी स्केड्यूल रिवाइज करने की सोच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने डायरेक्टली तो हाँ नहीं की है लेकिन मेकर्स से कुछ वक्त मांगा है। इस वक्त में वो कुछ काम जल्दी रैप करना चाहते हैं। अभी बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट भी फाइनल नहीं हुई है इसलिए मेकर्स एग्री कर गए हैं उन्हें वक्त देने के लिए, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ये कब तक चल पाएगा। हम यही होप करते हैं कि राणा जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाल लें और बाहुबली 3 में वापस दिखें। आपके हिसाब से कौन होगा दूसरा विलन राणा के साथ? क्या कोई बॉलीवुड से करेगा इस फ्रेंचाइजी में एंट्री? गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, कमेंट्स में हमें जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें और बताएं। और इंटरनेशनली होगी बाहुबली 3 रिलीज, क्या लगता है आपको? बाहुबली के फैंस दुनिया के हर कोने कोने में शामिल है, इस मूवी को वर्ल्ड वाइड सराहा गया है, तो फिर मेकर्स क्यों इसे सिर्फ इंडिया तक रखेंगे? कमाल की बात है कि राजमौली जी सिर्फ बाहर रिलीज ही नहीं बल्कि बाहर
प्रमोट भी करेंगे। जी हाँ, बाहुबली 3 की टीम इंटरनेशनल प्रमोशन का भी सोच रहे हैं। ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मेकर्स ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हमें इसमें कितना फायदा है। मेकर्स इसे UAE और USA दोनों जगह प्रमोट करने का सोच रहे हैं। मेकर्स ऐसा इंडिया के प्रमोशन के बाद करेंगे, लेकिन सभी मूवी स्टार्स के साथ करेंगे। अब जब मूवी को फेम मिल ही गया है तो मेकर्स इसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं और उठा भी रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक हम और फैक्ट्स ढूंढ कर लाते हैं बाहुबली 3 के बारे में। और गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सोमली का लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय।